तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टंकी पे। दोस्तों मैं आज एक और नए वीडियो लेकर आया हूँ जो सैमसंग का लॉक का बारे में है। सैमसंग फोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे दोस्तों यहाँ पे कि कमेंट में भाई ओप्पो रियलमी वीवो शाओमी रेडमी एम आई का बहुत सारा लॉक बता दिए, सैमसंग का लॉक बता दीजिए सर, बहुत सारे कमेंट रिक्वेस्ट आ रहे थे। तो सोचा कि इस बार सैमसंग का वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सैमसंग में अगर आपका लॉक लग गया है तो बहुत दिक्कत में आ गए, बहुत परेशानी में आ गए। तो आपको कोई दिक्कत परेशानी में अब यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अगर स्किप कर दीजिएगा तो आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा, और लास्ट तक देखिएगा तो आपका फ़ोन 100% अनलॉक हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ यहाँ पे वीडियो को गौर से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं फटाफट वीडियो स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी दबा देना। और एक और रिक्वेस्ट, अगर कुछ भी फ़ोन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो फोन में तो कमेंट करके बताइएगा। तो फटाफट यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले पहले एक चीज, यहाँ पे पिन पैटर्न पासवर्ड कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। आपका फोन में पिन है, किसी का फोन में पैटर्न, किसी का पासवर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे मात्र इमरजेंसी कॉल को ओपन करना है। इमरजेंसी कॉल नीचे होगा, इमरजेंसी कॉल को टच कीजिएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इमरजेंसी कॉल को ओपन होने के होते ही यहाँ पे एक मार्च का, इस मार्च का महीने का मैं एक कोड लाया हूँ, मास्टर कोड है, जो *9856321447#। इसको डायल करने के बाद यहाँ पे जितना आपका लैग होता है, वायरस रहता है फोन में, सब उड़ जाएगा। मात्र इसको 3 टाइम कॉल करना, बस 1 2 3। ये कोड गूगल की तक, यानी गूगल की जो आपका फोन में जितना की या पासवर्ड लगा हुआ होता है गूगल तक पहुंचाता है ये कॉल। इसके बाद इसको हटा देना है। इसे हटाने के बाद एक और इंजीनियर मोड का जो फाइल ओपन होता है उसको क्लिक करना है, *8899#, इसको डायल कीजिएगा ना, तो इंजीनियर मोड का फाइल ओपन होगा। इंजीनियर मोड का फाइल ओपन होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई चीज़ को टच नहीं कीजिएगा सिवाय मेनू टेस्ट को। मेनू टेस्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड कीजिएगा, स्लाइड करने के बाद यहाँ पे जी सेंसर खोजिएगा। जी सेंसर खोजने के बाद इसको ओपन करना, अंक बदलता है दोस्तों इसको बैक कर देना। फिर एम सेंसर को ओपन करना है, एम सेंसर नीचे, एम सेंसर को ओपन करना है। एम सेंसर में अगर 90 डिग्री तक रहे, 100 डिग्री तक रहे कोई दिक्कत, 200 डिग्री तक रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 70 डिग्री तक रहे तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद बैक कर लेना है। फिर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है, यहाँ पे की स्टेट देखिएगा आप लोग, वहाँ पे गूगल के आपका पास है दोस्तों, यहाँ पे पास है दोस्तों। फिर इसको बैक करना है, डाटा वेस्ट वर्जन को क्लिक करना है, डाटा वेस्ट वर्जन को क्लिक करना है अभी 5 से 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7, एंड देन अधिक हो जाए पर कम ना हो दोस्तों। अधिक का मतलब इतना नहीं कि आप 100 बार या 100 बार कर लीजिएगा। इसके बाद रीडिंग रीसेट कंप्लीटेड इंडेक्ट को चेक कीजिएगा, यहाँ पे अगर पास हुआ तो आपका फोन 100% अनलॉक हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आप 3 टाइम इसको बैक कीजिएगा, 1 2 3, एंड देन आपका फोन अनलॉक हो जाएगा दोस्तों। इसके मेरा फोन अनलॉक हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ऐसा मैं न्यू ट्रिक या बहुत ही इजी पासवर्ड या अनलॉक करने का वीडियो में डालता रहता हूँ यूट्यूब पे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।